नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करें विकास लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में। अगर बात करें कंपनी का स्टॉक प्राइस, कंपनी का स्टॉक 4.85 पर ट्रेड कर रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में 4.30% की आपको यहाँ पर पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर बात करें ट्रेडिंग सेशन की, तो स्टॉक में पूरे डे आपको यहाँ पर अपर सर्किट देखने को मिला है। अगर हम बात करें पिछले कुछ साल से यहाँ पर स्टॉक के अंदर अपन देखें, तो यहाँ पर बीच के अंदर आपको काफ़ी अच्छी एक रैली बनती हुई दिखाई दी है। उसके बाद में आपको डाउनवर्ड देखने को मिला है, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से स्टॉक यहाँ पर एक कंसोलिडेट जोन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि पिछले कुछ समय की अगर बात करें, पिछले 6 महीने की अगर बात करें, तो स्टॉक ने 53 और पिछले 1 महीने की अगर बात करें, तो यहाँ पर आपको 7% के आसपास इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक का बारे में देखें अपडेट, तो कंपनी ने यहाँ पर क्वार्टर फोर का रिजल्ट है अपडेट किया, उसी के साथ फाइनेंशियल ईयर 2022 के जो रिजल्ट है अपडेट किया। अगर हम देखें कंपनी के बारे में कोई अपडेट अनाउंसमेंट में देखें, तो यहाँ पर 30 तारीख को कंपनी के बारे में यहाँ पर अनाउंसमेंट ऑफ अंडर रेगुलेशन 30 न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, तो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन का जो अनाउंसमेंट है वो कंपनी ने यहाँ पर किया है। और फाइनेंशियल ईयर का जो रिजल्ट है वो 28 मई को यहाँ पर कंपनी ने अनाउंस किया है। अगर हम बात करें आज की डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पर अपर सर्किट स्टॉक में आपको देखने को मिला है, तो आपको यहाँ पर 100% डिलीवरी पोजीशन आपको देखने को मिल रही है। 17,09,515 टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है, और इतनी ही क्वांटिटी आपको डिलीवर क्वांटिटी में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी 100% आपको टोटल डिलीवरी हुई है। अगर बात करें अपडेट की, तो कंपनी ने यहाँ पर द न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट ऑफ ऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंड March 31, 2022। उसी के साथ अगर बात करें, वी आर इंक्लोज टू हियर विद द कॉपीज ऑफ न्यूज़पेपर विद एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू द पब्लिकेशन ऑफ ऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंड March 31, 2022 एज पब्लिश्ड इन फाइनेंशियल एक्सप्रेस और इंग्लिश ऑडिशन के अंदर, ये जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस है इसके अंदर हुआ है। उसके बाद जनसत्ता, इसके अंदर यहाँ पर हिंदी के अंदर एडिशन हुआ है। न्यूज़पेपर बोथ, यानी दोनों न्यूज़पेपर के अंदर यहाँ पर ये जो है कंपनी का रिजल्ट है ये है। इसके बाद में यहाँ पर जो है बताया भी गया है। उसी के साथ यहाँ पर जो न्यूज़पेपर का जो कलेक्शन है, जो कटिंग है, यहाँ पर ये भी दिखाया गया है। इसके साथ ही इसी प्रकार अगर लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टस से देखें, तो ये स्टॉक इसके लिए क्वार्टर थ्री और फाइनेंशियल ईयर 2023 का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर कंपनी अपने रिजल्ट को मेंटेन करके रखती है और इसके अंदर इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको इस स्टॉक प्राइस में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग।